ओम साईं राम। श्री साईं बाबा की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शिरडी में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया है। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को उत्सव के प्रथम दिवस पर समाधि मंदिर में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एडहॉक कमेटी मेंबर श्री सिद्धराम सालीमर जी ने पाद्य पूजा की। समारोह के पहले दिन समाधि मंदिर से बाबा की प्रतिमा श्री साईं सच्चरित्र पोथी एवं वीणा लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री सिद्धराम सालीमत साईं सच्चरित्र पोथी, श्री गोरक्ष गाडिलकर जी वीणा और श्री गंगाधर वरदुबे बाबा की तस्वीर लेकर शोभा यात्रा के साथ साथ चले। द्वारका मई में श्री साईं सच्चरित्र का अखंड पारायण आरंभ हुआ। श्री सिद्धराम सालीमर जी ने प्रथम अध्याय पढ़कर पारायण का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त शिरडी में दिन भर अनेक भजन कीर्तन के व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। हजारों भक्त इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री संदीप कुमार भोंसले, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्रीमती प्रज्ञा महाडुले सिनारे, मंदिर प्रमुख श्री विष्णु थोराट, मंदिर के पुजारी, शिरडी ग्रामवासी व बड़ी तादाद में साईं भक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। कल उत्सव का मुख्य दिन है। सुबह 5 बजे से जो है 5:15 बजे कक्कड़ आरती से शुरुआत होगी। उसके बाद बाबा की प्रतिमा का जुलूस निकलेगा। उसके बाद शिरडी माजी पंडरपुर ये आरती होगी और 6:30 बजे जो है दर्शन साई भक्तों के लिए खुला हो जाएगा। 9:30 9 बजे जो है वो भिक्षा झूले कार्यक्रम जो है, बाबा अपने जीवन में हमेशा भिक्षा मांगते थे तो ये भिक्षा झूले का कार्यक्रम 9 बजे शुरू हो जाएगा। और सुबह 10:30 बजे जो है वो बाबा की आराधना विधि जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आरती होगी और ब्राह्मणों को जो है वो कपड़े वितरित किया जाएगा और प्रसाद जो है प्रसादालय में प्रसाद जो है भक्तों को बांट दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय उत्सव में जो है जो भक्त यहाँ आएंगे उनका उनके प्रसाद की व्यवस्था, उनके
रहने की व्यवस्था की है। रहने के लिए ज़्यादा मंडप यहाँ उभारी है, उसमें भक्तों की व्यवस्था होगी। जो पालखिया से साई भक्त आते हैं उनकी भी स्वागत की तैयारी और उनकी रहने की व्यवस्था की है। साई भक्त जो है बड़े पैमाने पर यहाँ आएंगे तो उनका दर्शन यहाँ अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए कल रात और दिन 24 घंटे मंदिर जो है वो साई भक्तों के लिए खुला रहेगा। आज उत्सव का पहला दिन है तो ये पहले दिन जो है वो द्वारका माई मंदिर जो है वो रात भर खुला रहेगा। तीनों दिन जो है वो दिन भर जो है बाबा के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जो है मुंबई के साई भक्त है वो पिछले 35 साल से यहाँ डेकोरेशन करते हैं। इस साल का वैशिष्ट ये है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है उसका डेकोरेशन मुंबई के साई भक्तों ने किया है।